नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। वैक्सीनेशन के बाद लागू होगा सीएए कानून, अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने ठाकुर नगर में आयोजित सभा में कहा कि सीएए को कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि यह कानून संसद में पास हो चुका है और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना टीकाकरण के होते ही, कोरोना की मुक्ति के बाद ही सीएए लागू होगा और मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का काम शुरू होगा। अमित शाह ने आगे कहा कि देश के मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि इससे उनकी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन वह साफ करना चाहते हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं आज से दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। हालांकि 16 फरवरी को एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में मध्य दर्ज के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है। पारा शिक्षकों को अपने बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा शादी के लिए मिलेगा लोन। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पारा शिक्षकों के लिए फरवरी का माह कई खुशियां ला सकता है। बता दें, उनके स्थायीकरण तथा वेतनमान पर इस माह अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं उन्हें कई अन्य तोहफे भी मिल सकते हैं। पारा शिक्षकों को उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण देने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष से यह सुविधा उन्हें मिलेगी। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा बने हैं। बता दें, तत्कालीन डीजीपी एमबी राव से नीरज सिन्हा प्रभार लेंगे। बता दें कि 16 मार्च 2020 से झारखंड डीजीपी का पद प्रभार में चल रहा था। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार को जारी अधिसूचना के तहत 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा वर्तमान में झारखंड सशस्त्र पुलिस रांची के महानिदेशक हैं। सरकार ने इन्हें स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक झारखंड के नए डीजीपी के पद पर पदस्थापित किया है। झारखंड में लाह की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी राज्य सरकार द्वारा तय करने की बात कही। सीएम श्री सोरेन राजधानी रांची के भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम में आयोजित दो दिवसीय किसान मेला सह कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। निबंधित कर्मियों में 50% को ही पड़ा टीका। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को टीकाकरण के लिए निबंधित कुल कर्मियों में अभी तक आधे को ही टीका लग पाया है। बता दें, गुरुवार तक निबंधित कर्मियों में 50% को ही यह टीका लग सका। इस तरह 50% कर्मियों का टीकाकरण होना बाकी है। राज्य सरकार बार बार सभी निबंधित कर्मियों से समय पर टीका लेने की अपील कर रही है। राम मंदिर के लिए 700 करोड़ रुपये ट्रस्ट के खाते में जमा। राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में चल रहे निधि समर्पण अभियान अपने अंतिम चरण की ओर है। बता दें, राम भक्तों में उत्साह चरम पर है। 44 दिनों के इस अभियान में 27 दिन बीत चुके हैं, अब तक 17 दिन ही शेष बचे हैं। बता दें, 27 फरवरी को इस अभियान का समापन हो जाएगा। 10 फरवरी तक 700 करोड़ रुपये की राशि अयोध्या स्थित ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुकी है। होली से पहले सभी ट्रेनें चलाने की तैयारी। भारतीय रेल ने अपने परिचालन को कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से पहले की स्थिति में लाने की कवायद तेज कर दी है। बता दें, रेलवे की ओर से अब तक अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेन स्पेशल बनाकर चला दी गई है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को तमाम रेल मंडलों से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पूर्व चलने वाली प्राय सभी ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। संभव है कि इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में पहले चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन एक बार फिर से अपनी समय सारणी के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। प्राइमरी सेक्शन के ऊपर के स्कूलों को खोलने की मांग। नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची झारखंड में बंद सभी तरह के स्कूलों को प्राइमरी सेक्शन से ऊपर तक खोलने की मांग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से ज्ञापन दिया। बता दें, एसोसिएशन का कहना है कि सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप जिस राज्य में था
वहां की सरकार ने धीरे धीरे वर्ग प्रथम तक स्कूल खोल दिया है। झारखंड में अब प्रतिदिन बहुत कम कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से निवेदन किया है कि निजी विद्यालयों में निम्न मध्यम आय के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रहने के कारण ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड में 45 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो देवघर से 1, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 10, लातेहार से 3, रांची से 24 व सिमडेगा से 2 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 119,206 है, जबकि 117,669 लोग स्वस्थ हुए और 1,081 की मृत्यु हो गई। भारत में 9,353 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 155,484 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 133,086 है। झारखंड में कुल एक्टिव केस 456 है। अपग्रेडेड हाई स्कूलों में अस्थायी प्राचार्य और उप प्राचार्य की होगी नियुक्ति। झारखंड के प्लस टू हाई स्कूलों में जल्द ही अस्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति होगी। वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापकों के सहारे चल रहे इन विद्यालयों में नए पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो रहा है। दरअसल गूगल मीट के जरिए झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रांतीय एवं जिला कार्यकारिणी बैठक में बताया कि 8 फरवरी को शिक्षा सचिव राहुल शर्मा से शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मिला था। इनसे सचिव के प्लस टू स्कूल में प्राचार्यों की नियुक्ति को लेकर संकेत दिए थे। छठी जेपीएससी। हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी को लेकर प्रार्थियों की ओर से बहस की गई। बता दें, इस दौरान जेपीएससी व सरकार की दलीलों का जवाब दिया गया। अब इस मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि सभी लोग 17 फरवरी तक अपना अपना लिखित पक्ष अदालत में जमा कर दें। झारखंड में प्रतिबंध की अनदेखी कर बेचे जा रहे जहरीले पान मसाले। पान मसाले तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है ही, पर इस पर भी असुरक्षित स्तर के पान मसाले सेहत के लिए और अधिक खतरनाक है। बता दें, झारखंड में पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित है, इसके बावजूद इसके बड़ी कंपनी के पान मसाले बिक रहे हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा की टीम ने अवैध तरीके से बेच रहे पान मसालों को जब्त किया तो पता चला कि कई नमूने खाने योग्य नहीं थे। हाई कोर्ट ने रिम्स से मांगी खाली पदों की जानकारी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने रिम्स से पूछा है कि रिम्स में कितने पद रिक्त हैं और उसे भरने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। बाल तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदम की कोर्ट ने जानकारी मांगी। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से बच्चों की तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने को कहा है। जो बच्चे लापता होते हैं उनके पुनर्वास और तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी कोर्ट ने मांगी है। स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने यह निर्देश दिया। बोकारो के गोमिया में नक्सली से मुठभेड़ में 2 सीआरपीएफ जवान घायल। झारखंड में बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र टूटी झरना जंगल के पास सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों एवं सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के तेज हमले को देख नक्सली राइफल, गोली और अन्य सामग्री छोड़कर भाग निकले। कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है, वहीं सीआरपीएफ जवान भी घायल हो गए हैं। गोली लगने से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक इलाज के बाद रांची के मेदांत अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रघुवर दास व सरजू राय समर्थकों के पथराव से कई महिलाएं व पुलिसकर्मी घायल। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर कमेटी ने गुरुवार को रघुवर नगर के बाहर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। बस्ती के बाहर सड़क पर कार्यक्रम हो रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यक्रम लगभग समाप्त हो रहा था कि इस बीच बवाल हो गया, पथराव और मारपीट होने लगी तो वहाँ भगदड़ मच गई। बता दें, घटनास्थल के पास ही शिव मंदिर में महिलाएं शिव चर्चा कर रही थी, वह अभी भागने लगी। अधिकांश महिलाएं रघुवर नगर की रहने वाली थी, लिहाजा वह अपने घरों की ओर जाने लगी, लेकिन पुलिस और उपद्रवियों की भीड़ में महिलाएं फंस गई।
लोहरदगा बनेगा नया जीआरपी थाना। रांची जीआरपी थाना से अलग होकर लोहरदगा नया जीआरपी थाना बनाया जाएगा। इस बाबत जमशेदपुर रेल एसपी आनंद प्रकाश ने राज्य पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। इससे ट्रेन में होने वाली दुर्घटना के समाधान में आसानी होगी। फिलहाल लोहरदगा जिला रांची जीआरपी थाना के अधीन आता है। लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। बता दें यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद प्रमुख लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। आईएएस प्रदीप कुमार के 2 फ्लैट ईडी ने उदयपुर में किए जब्त। झारखंड के बहुचर्चित दावा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार की राजस्थान के उदयपुर में स्थित 2 फ्लैट को जब्त किया है। इसमें 1 फ्लैट प्रदीप कुमार और दूसरा उनके भाई राजेंद्र कुमार के नाम पर है। बता दें डॉक्टर प्रदीप कुमार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के निदेशक थे। उनकी रांची कोलकाता व बेंगलुरु में भी संपत्ति है। सरना बिल का समर्थन नहीं किया तो बीजेपी सांसदों को घुसने नहीं देंगे झारखंड में। अपनी बातों से अक्सर विवादों में रहने वाले प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड से भाजपा के सभी सांसदों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के 12 सांसदों ने लोकसभा में सरना धर्म कोड बिल का समर्थन नहीं किया तो उन्हें झारखंड में घुसने नहीं देंगे। नियोजन नीति को लेकर राज्यपाल से मिले कुणाल। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने गुरुवार को झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के विरोध असंतोष जाहिर करते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप का आग्रह किया। इस बाबत कुणाल सारंगी ने कई बिंदुओं को राज्यपाल के संज्ञान में लाते हुए युवाओं और राज्य हित में त्वरित हस्तक्षेप का आग्रह किया। धन्यवाद।